वेलकम बैक। मेरा नाम है सुरन मधुकर और आप देख रहे हैं एडवांस टेक मधुकर चैनल। तो कैसे गए? आप आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, मैं अमेजोन से बोए कंपनी का एक माइक मंगवा लिया हूँ, जिसका रिव्यू करेंगे गाइस कि ये कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसको जब देने आया था उसी टाइम इसको ओपन करके देख लिया था गाइस कि इसमें अपना जो माइक मैं जो मंगाया हूँ वो है कि नहीं है। तो इसको मैं सील ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं पहले ही खोल खोल चुका हूँ गाइस, इसलिए इसका अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे गाइस, इसका रिव्यू करेंगे। इसको मैं खोल के वही देख लिया था। चलिए गाइस, ये देखिए मेरे पास बोया कंपनी का माइक है, बोया बाई वन एमोन। इसको ओपन करके देखते हैं गाइस। ओपन करने से पहले गाइस इसमें कुछ कुछ इंट्रक्शन है, उसको देख लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है गाइस 6 मीटर का केबल लेंथ दिया है। आपको मैं क्लियर करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं दिख पा रहा होगा गाइस, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 6 मीटर का केबल लेंथ है, अभी भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, अब देखो 6 मीटर का केबल लेंथ है गाइस, और इसका कुछ कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि 1000 ओम का इसमें, और लेस भी बोल रहा है। आउट इसका आउटपुट 1000 ओम से कम या 1000 के आसपास है। ठीक है, यहाँ तक आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए 65 हर्ट्ज से 18 किलोहर्ट्ज में इसका फ्रिक्वेंसी रेंज है। इसका जो नॉइस है वो 74 डेसिमल है, और इसमें 6 मीटर का केबल लेंथ दे रहा है गाइस। पावर मॉड्यूल 18 ग्राम का है, माइक्रोफोन 2.5 ग्राम का है। चलिए कैसे इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले ये देख लेते हैं कैसे कि ये जो बोया का जो माइक है वो किस में हमारा काम आएगा। स्मार्टफोन में आ जाएगा, इस DSLR में आ जाएगा, कैम रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, PC ETC, इसमें सब में काम आ जाएगा। ओमी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है गाइस, हाई क्वालिटी का है, लो हैंडलिंग नॉइस है, और इसके साथ में एक अपना एडाप्टर और बैटरी सेल भी दिया है। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए बोया बाई वन एमोन का। ठीक है, ओपन कर रहा हूँ गाइस इसको मैं। ओपन कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। ये देखिए इसके अंदर में एक हमारा कैरी बैग भी दिया हुआ है। ये देखिए कुछ कुछ इसमें बारकोड वगैरह दिए। ये देखिए कैरी बैग भी है जिसमें बोया का लोगो भी है अपना। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। इसको यूज करने के लिए ये हम यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। ये देखिए हम इसको बारकोड को स्कैनर से अगर स्कैन करेंगे तो हमको ये यूट्यूब में लेके जाएगा, और इसको यूज कैसे करना है, इसको कनेक्ट कैसे करना है, हम यूट्यूब से भी देख सकते हैं। इसको साइड में रख लेते हैं गाइस। साथ में गाइस एक यूजर मैनुअल भी दिया है गाइस, यूजर मैनुअल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा गाइस, यूजर मैनुअल कोई नहीं पढ़ता है, बाकी जरूरत पड़ने पर पढ़ भी लेते हैं। एक वारंटी कार्ड दिया है गाइस, ये देखिए इसमें कुछ कुछ इंडक्शन दिया हुआ है। अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ गाइस, चाइना में लिखा हुआ है। ये देखिए ये अपना कंपनी सुजन से बन के आया गाइस, इंडस्ट्री लिमिटेड। ये हमारा वारंटी कार्ड है, देखिए यहाँ पर वारंटी कार्ड शो कर रहा है गाइस। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा हम इसी में मेंशन करके वारंटी इसका क्लेम करेंगे। और वारंटी कैसे क्लेम करना है, हम इसका जो साइड है बोया का जो साइड है वहाँ हम लोग इसका जो टोल फ्री नंबर आता है, टोल फ्री नंबर में हमको फ़ोन करना है और अपना प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में बताना है कि ये प्रॉब्लम आए करके, फिर इसको लेने आएगा गाइस। कस्टमर केयर में करके इसको वारंटी रिप्लेसमेंट किया जाएगा। बॉक्स भी साइड साइड में कर लेते हैं गाइस। ठीक है, इसे कैरी बैग के अंदर में मैं देखता हूँ इसे अंदर में क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए इस बोया का लोगो वाला स्टिकर दिया हुआ है, इसको हम लोग कहीं भी चिपका सकते हैं, कैरी बैग में चिपका सकते हैं, कहीं भी चिपका सकते हैं। स्टिकर है ऐसा निकलने वाला, इसको भी साइड साइड में रख लेते हैं गाइस।
ये देखिए, बोया का सर्टिफिक क्वालिफाई, ये देखिए क्वालिटी सर्टिफिकेट करके एक और अपना वो दे रहा है गाइस बोया का। इसमें भी हमारा बार कोड है, हम लोग चाहें तो बार कोड यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके साथ में एक हमारा छोटा सा पाउच दिया हुआ है, ये मॉइस्चर को करता है गाइस, कलेक्ट करता है, मॉइस्चर नहीं आने देता है। एक और हमारा पैकेट है गाइस पॉलीथिन, इसको ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर में क्या क्या देखते हैं। एक और जैक दिया हुआ है गाइस, इसको हम लोग एम्पलीफायर या कोई अदर डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये लग जाएगा गाइस ऐसा करके, और हम लोग दूसरे डिवाइस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक गाइस, इसको साइड साइड में रख लेते हैं। साइड में एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए गद्दा दिया हुआ है गाइस, यहाँ ये माइक के पास में लग जाता है, आपको मैं लगा के दिखा रहा हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, ये हमारा माइक के पास में ये अपना नॉइस कैंसिलेशन जो गद्दा है वो लग गया है। इसके साथ में गाइस एक कॉलर, ये जो माइक को कॉलर के पास में लॉक करने के लिए एक लॉकर भी दिया हुआ है। चलिए गाइस इसको बाद में ओपन करिए। वहाँ पे गाइस एक हमारा बैटरी भी दिया हुआ है, बैटरी कहाँ लगेगा मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ गाइस। छोटा सा बैटरी है, एक कॉलर लॉक करने वाला है। साथ में गाइस हमारा अदर डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए एक और जैक दिया हुआ है, इधर फीमेल है गाइस, ये मेल है। ठीक है, इसमें 6 मीटर का केबल लेंथ दे रहा है गाइस, 3.4 mm का आइडियो जैक वाला अपना पिन है, 6 मीटर का केबल लेंथ है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मेरे को वायर लग रहा है इसका। ठीक है, अब इसका मेन बात आता है गैस कि हमारा ये जो बैटरी जो है बैटरी कहाँ लगेगा, तो और ये हमारा जो एडाप्टर है गैस, एडाप्टर में हमारा एक स्विच भी दिया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए गैस, ये हमारा स्विच भी दे रहा है, जैसे ही हम अगर DSLR या अदर डिवाइस में इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये जो कैमरा मोड है, कैमरा मोड की तरफ ये जो स्विच है हम इसको स्लाइड करेंगे, और हमारा स्मार्टफोन या अदर जो जो भी मोबाइल रहता है, अगर हमको मोबाइल में चलाना है तो हम ये जो स्विच है इसको ऑफ और स्मार्टफोन वाले मोड में रखेंगे, स्विच का जो डायरेक्शन है उसको। अदर टाइम में अगर हम DSLR या कोई भी अदर डिवाइस में अगर यूज कर रहे हैं तो हम ये कैमरा मोड में रखेंगे, और नॉर्मल स्मार्टफोन के टाइम में इसको ऑफ और स्मार्टफोन वाले डायरेक्शन में रखेंगे इस। ठीक है, इसका मैं ओपन करके इसको दिखा देता हूँ गाइस, ये थोड़ा सा ओपन होता है गाइस, इसके अंदर में सेल लगता है, ये देखिए सेल यहाँ लगता है। थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल लगता है, और यहाँ आपको डायरेक्शन भी आपको दिखा दे रहा है, सीधा आपका प्लस का डायरेक्शन है, अच्छे से आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपको प्लस का सिंबल्स है, और इधर माइनस का और इधर प्लस का है। तो तेल को हम लगा लेते हैं गाइस, फिर आपको यूज करके भी दिखा देंगे। अभी मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ गाइस वो बोया कंपनी का ही माइक है गाइस, सेम मॉडल है, आपको मैं वीडियो दिखाने के लिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ गाइस। बाकी अभी मैं जो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बोया कंपनी का सेम माइक सेम मॉडल है, यही माइक को और मैं यूज कर रहा हूँ गाइस बहुत दिनों से, मेरे को एक और स्मार्टफोन में अभी ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए मैं ये वाला बोया कंपनी का माइक को और ऑर्डर किया हूँ। लास्ट में इसका मैं प्राइस भी बता दूंगा गाइस। ये देखिए गाइस, इस डायरेक्शन में जो हमारा जो सेल है वो पॉजिटिव में है, और इधर वाला नेगेटिव में है गाइस, आपको दिखा रहा हूँ गाइस। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है वो प्लस है, इधर वाला माइनस में है,
और साथ ही आपको मैं इसका भी आपको वो बता देता हूँ गाइस, डायरेक्ट शो कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर प्लस में है इधर, और माइनस में है। हम क्या करेंगे गाइस, प्लस वाले डायरेक्शन को प्लस में लगाएंगे, माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे। देखिए गाइस लग गया। लग गया गाइस है, इसको टाइट भी कर दिया हूँ अच्छे से। ठीक है, बैटरी भी लग गया गाइस। अब इसका एक बार आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ गाइस। मैं इसी मोबाइल में मैं अपना सेम इस टाइप का जो हमारा जो बोया का माइक है उसको मैं निकाल लेता हूँ, और इस वाले माइक को आपको मैं लगा के दिखा रहा हूँ गाइस। ठीक है, चलिए गाइस मैं अभी जो पुराना वाला माइक है उससे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और चलिए गाइस मैं अभी अपना जो नया वाला है, नया वाला को मैं आपको फोन में लगा के दिखा रहा हूँ गाइस कि इसका साउंड कैसा है, और अभी मैं जो कर रहा हूँ उसका कैसा है आप बताइएगा। ठीक है, इस ऑडियो जैक को मैं इसको निकाल रहा हूँ गाइस। देखिए गाइस मैं नया वाला माइक को अभी लगा लिया हूँ, और इसमें आवाज़ आप बताइएगा पिछले वाले में कैसा आ रहा था, और अभी जो नया वाले में कैसा आ रहा है। ठीक है, अभी मैं जो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नया वाले माइक से कर रहा हूँ, पुराना वाला माइक को मैं निकाल दिया हूँ, और ये सेम बोया का माइक है। जैसे पिछले टाइम मैं आपको बताया था पिछला वाला माइक भी बोया का है, सेम मॉडल है, और अभी जो नया वाला मंगाया हूँ वो भी सेम मॉडल है। चलिए गाइस इतना मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, मेरा अभी मैं पुराना वाला लगा लिया हूँ, और आप आवाज़ बताइएगा मेरा कैसा आ रहा है। इतना ही है गाइस, एक वारंटी मेन वाला है, एक उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में एक यूट्यूब का वो है, साथ में एक वारंटी कार्ड है, एक बोया का स्टिकर है, एक कैरी बैग है। अमेजोन से मंगाया हूँ गाइस, तो आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा और अमेजोन से भी मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा। बाकी अभी मैं जैसे अमेजोन से लिया था मेरे को ये 630 रुपये मिल रहा था गाइस। प्राइस इसका बात करें 630 रुपये है, 1 साल का वारंटी मिल जाता है इसमें, डोमेस्टिक वारंटी। और इसी को आप फ्लिपकार्ट में लेने जाएंगे तो अभी करेंट का, जैसे अभी मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में ये 800 रुपये आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट में, और ये जो प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता है आप अपने अपने टाइम में। आप चेक कीजिएगा, ऐड करके रख लीजिएगा गाइस, जब भी आपको मंगाना रहेगा आप ऐड करके रखिएगा, जब भी मंगाना रहेगा आपको जैसे ही प्राइस डाउन होगा उस टाइम मंगाइएगा गाइस। मैं तो ऐड कर करके रखा रहता हूँ, जब मेरे को लगता है हाँ प्राइस डाउन हो गया करके तभी मैं मंगाता हूँ गाइस। वीडियो अच्छा लगेगा गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू गाइस। और ये वीडियो कैसा कैसा लगा गाइस कमेंट करके बताइएगा गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस।